पानी, दूध, नमक और अन्न की बर्बादी करने से क्या होता है ये तो हमने जान लिया। अब बात कर लेते हैं उस पांचवी चीज की जिसकी बर्बादी करने से भाग्य कमजोर होता है, घर के बच्चे कभी भी सेहतमंद नहीं रह पाते हैं। तो पंडित जी वो पांचवी चीज बताइए। देखिए, जो चीजें मैंने आपको बताया है वो हमारे जीवन से, हमारे मतलब कि प्राण से एकदम जुड़ी हुई चीज है, और अब जो बताने जा रहा हूं ये तो जीवन ही है। जीवन क्या है भैया? पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन देते हैं और उसी ऑक्सीजन पर हम जिंदा रहते हैं। जिन घरों में पेड़ पौधों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिस घर में पेड़ पौधों की दशा खराब है, उस घर में रहने वालों को हमेशा नुकसान सहना पड़ता है। जिन घरों के पौधों में अक्सर कीड़े लग जाते हैं, मेरी गारंटी है कि वहाँ रहने वाले चाहे जितने तेजस्वी हों उनका भाग्य कमजोर हो जाएगा। घर में लगे पौधे अगर खराब हो रहे हैं तो परिवार के लोगों की सेहत खराब होने वाली है। ये एक प्रकार का संकेत है, आप समझ जाइए। घर की किसी चैतन्य महिला को चाहिए, चैतन्य पुरुष को चाहिए कि वो अपने घर के पौधों को रोज नियमित सुबह शाम देखभाल करें। कारोबार ठीक से नहीं चलेगा, धन की कमी हर समय रहेगी अगर पौधे सूखेंगे। रिश्तेदारों के कारण हमेशा परेशानी होगी, दूसरे लोग आपके घर में इंटरफियर करेंगे। घर के बच्चे हमेशा बीमार रहेंगे। अगर आपकी लापरवाही के कारण पौधे खराब हो रहे हैं तो घर पर पितृदोष का बुरा प्रभाव होगा। बुरे प्रभावों से बचने के लिए पेड़ पौधों को समय समय पर पानी देना चाहिए, उनकी खुदाई करते रहना चाहिए। जब आप लंबे समय के लिए कहीं बाहर जाएं, पौधों की देखभाल के लिए किसी को कह दें, और ख़ास करके तुलसी की रक्षा करना प्राण से भी ज़्यादा आवश्यक है। जिन घरों में तुलसी का पौधा प्रफुल्लित रहता है उन घरों में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। जय मां विंध्यवासिनी।